चुनाव के दौरान से ही सियासी उठापटक देखने को मिलती रही है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में भी फिलहाल कांग्रेस की सरकार पर संकट है। इस बीच महाराष्ट्र में भी इस तरह की सुगबुगाहट तेज हो रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों के भारतीय जनता पार्टी के टच में होने की चर्चा चल रही है। हालांकि एनसीपी ने इस पूरी चर्चा को अफवाह बताया है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की गठबंधन सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस मसले पर कहा कि कुछ लोग 12 एनसीपी विधायकों के बीजेपी में जाने की अफवाह फैला रहे हैं, ये बेबुनियाद है और मनगढ़ंत खबर है। नवाब मलिक ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले बीजेपी में गए विधायक एनसीपी में लौटने के लिए आतुर हैं, लेकिन इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। नवाब मलिक ने कहा कि इस पर जल्द फैसला कर जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। हम आपको बता दें कि अक्टूबर 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे। नतीजों के बाद किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया था, लिहाजा बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के अजीत पवार के साथ मिलकर गुपचुप तरीके से सीएम पद की शपथ ले ली थी। हालांकि इसके बाद बवाल हुआ और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कमान संभाल ली। शरद पवार ने शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठजोड़ कर महाविकास अघाड़ी का गठन किया और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनाई गई। लेकिन सरकार बनने के बाद से इस गठबंधन को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं सामने आती रही हैं। सीएम उद्धव ठाकरे चेतावनी भरे अंदाज में यहां तक कह चुके हैं कि अगर बीजेपी को उनकी सरकार गिरानी है तो गिराए, मैं देख लूंगा। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।